हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। भारत वेस्ट इंडीज के बीच मैच कल, इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते में बाधा बना है मौसम। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को अपना छठा मुकाबला वेस्ट इंडीज से खेलना है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर यह मैच होगा, जहां भारत ने पाकिस्तान को 16 जून को हराया था। मैनचेस्टर में मौसम एक बार फिर से फैंस को दगा दे सकता है। यह रविवार से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मंगलवार को पूरे दिन लगातार बारिश होती रही। बारिश की वजह से टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रद्द होने की वजह से टीम को इंडोर अभ्यास करना पड़ा। हालांकि स्थानीय मौसम विभाग ने मंगलवार को मैनचेस्टर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन अगले दो दिन तक मौसम बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार को धूप निकलेगी और बिना किसी बाधा के भारत और वेस्टइंडीज के बीच 50-50 ओवरों का मैच खेला जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को खेले गए मैच में बारिश ने परेशान किया था। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत का मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। दोनों को एक एक अंक दे दिए गए थे और बारिश की वजह से यदि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का ही मैच रद्द हो जाता है तो दोनों ही टीमों को एक एक अंक दिए जाएंगे। इससे भारत के खाते में कुल 10 अंक हो जाएंगे, लेकिन भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दो मैच और जीतना बहुत जरूरी है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।